आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। चतरा जिले स्थित मजूरहंड प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत शैवाल कर्मा में रहने वाले बिरहोरों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। संविधान की मूल प्रति उपेक्षित गिरिडीह के पुस्तकालय में वर्षों से बंद है अलमारी में। विधानसभा चुनाव में बगोदर सीट से सोमवार को भाकपा माले के उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह ने अपना नामांकन पर्चा भरा। आजसू प्रत्याशी शालिनी गुप्ता का नामांकन आज सुप्रीमो सुदेश महतो एवं गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ कई दिग्गज नेता हुए शामिल। मघुपुर विधानसभा क्षेत्र के लहिया ताड़ गांव के 400 से अधिक महिला पुरुष वृद्ध वोटरों में इस बात को लेकर मायूसी है। भाजपा विधायक व बोकारो विधानसभा से प्रत्याशी विरंची नारायण आज चास अनुमंडल कार्यालय स्थित एसटीओ सह निर्वाचित पदाधिकारी विजय कुमार के समक्ष नामांकन किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महेशपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी श्री मिस्त्री सोरेन जी ने पाकुड़िया प्रखंड के ढोलकट बरमसिया उदलबनी आदि कई अन्य गाँव में जनसंपर्क अभियान बहुत जोर शोर से चलाया। दुमका शिकारीपाड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के विधायक ललिन सोरेन शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 30 वर्ष से जीतते आ रहे हैं। लातेहार में गाड़ियों की जांच में मिले 4,76,000 रुपए। महागठबंधन के साक्षा उम्मीदवार सह कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद सिंह के समर्थन में कुमार जय मंगल सिंह ने किया कई क्षेत्रों में जनसंपर्क। गोमिया से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण नायक ने की नामांकन पर्चा दाखिल। सिंदरी में फूलचंद का हुआ भव्य स्वागत। छातापुर थाना क्षेत्र में दो हत्या आरोपी गिरफ्तार। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े जाने की घटना को लेकर बेगूसराय के कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी उग्र नजर आ रहे हैं। नेतरहार थाना क्षेत्र स्थित आदिम जनजाति बहुल क्षेत्र मेरद्वार से द्रूप ग्राम तक बन रहे पथकालीकरण का कार्य वन विभाग के कर्मियों के द्वारा रोक दिए जाने से लातेहार में रहने वाले ग्रामीणों में काफी आक्रोश। कोडरमा महागठबंधन के प्रत्याशी अमिताभ चौधरी उर्फ बबलू चौधरी ने किया नामांकन। लातेहार जिले के महुआडाड़ प्रखंड में मानिका विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर जदयू प्रत्याशी बुधेश्वर उराव ने अपने दर्जनों कार्यकर्ता के साथ हामी चटकपुर रामपुर महुआडाड़ ऑक्सी राजडंडा गांव का दौरा कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। ट्रैक्टर की टक्कर में एक की मौत दूसरा घायल। राजनगर थाना अंतर्गत रघुनाथपुर के समीप सड़क किनारे खड़े ट्रेलर को स्विफ्ट डिजायर ने मारी पीछे से जोरदार टक्कर, दो महिलाओं सहित तीन की मौत। साहिबगंज जिला अंतर्गत राजमहल बोरियों एवं बरहेट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई।